कुछ धुंधली यादें, कुछ एहसासों के संस्मरण, कुछ गिले शिकवे तो कुछ पेड़ से टूटे पत्तों से वादे। वक्त के साथ कितना कुछ बदल जाता है, पर जो दिल के कोने में रह जाता है वो क्या है। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम जी के एहसासों को। ऐ मेरे दोस्त, मेरे अजनबी, एक बार अचानक तू आया। वक्त बिल्कुल हैरान मेरे कमरे में खड़ा रह गया। सांझ का सूरज अस्त होने को था पर न हो सका, और डूबने की किस्मत वो भूल सा गया। फिर आदि के नियम ने एक दुहाई दी और वक्त ने उन खड़े क्षणों को देखा और खिड़की के रास्ते बाहर को भागा। वह बीते और ठहरे क्षणों की घटना अब तुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, और शायद वक्त को भी। फिर वह गलती गवारा नहीं। अब सूरज रोज वक्त पर डूब जाता है और अंधेरा रोज मेरी छाती में उतर आता है। और ठहरे क्षणों का एक सच है, अब तू और मैं, मानना चाहे या नहीं यह और बात है, पर उस दिन वक्त जब खिड़की के रास्ते बाहर को भागा, और उस दिन जो खून उसके घुटनों से रिसा, वह खून मेरी खिड़की के नीचे अभी तक जमा हुआ है। सूरज ने कुछ घबरा कर रोशनी की खिड़की खोली, बादल की खिड़की बंद की और अंधेरे की सीढ़ियां उतर गए। आसमान की भावों पर जाने क्यों पसीना आ गया। सितारों के बटन खोलकर उसने चांद का कुर्ता उतार दिया। मैं दिल के कोने में बैठी हूं, तुम्हारी याद इस तरह आई जैसे गिली लकड़ी में से गहरा और काला धुआं उठता है। साथ हजारों ख्याल आए जैसे कोई सूखी लकड़ी सुर्ख आग की आहे भरे। दोनों लकड़ियां अभी बुझाई हैं, वर्ष कोयले की तरह बिखरे हुए, कुछ बुझ गए, कुछ बुझने से रह गए। वक्त का हाथ जब समेटने लगा, पैरों पर छाले पड़ गए। तेरे इश्क के हाथ से छूट गई और जिंदगी की हंडिया टूट गई। इतिहास का मेहमान मेरे चौके से भूखा उठ गया। मैं भी थी और शायद तू भी, एक असीम खामोशी थी जो सूखे पत्तों की तरह झड़ती या यूं ही किनारे की रेत की तरह घुलती। पर वह ऐतिहासिक समय की बात है, मैंने तुझे एक मोड़ पर आवाज दी, और जब तूने पलट कर आवाज दी तो हवाओं के गले में कुछ थर थर आया, मिट्टी के कण कुछ सरसराए और नदी का पानी कुछ गुनगुनाया। पेड़ की टहनियां कुछ कस सी गई, पत्तों में से एक झंकार उठी, फूलों की कोपल ने आंख झपकाई और एक चिड़िया के पंख हिले। ये पहला नाद था जो कानों ने सुना था। सप्त सुरों की संज्ञा तो बहुत बात की बात है। प्यार किसी को करना, लेकिन कहकर उसे बताना क्या। अपने को अर्पण करना, औरों को अपनाना क्या। गुण का ग्राहक बनना, लेकिन गाकर उसे सुनाना क्या। मन के कल्पित भावों से औरों को भ्रम में लाना क्या। ले लेना सुगंध सुमनों की, ले लेना सुगंध सुमनों की, तोड़ उन्हें मुरझाना क्या। प्रेम हार पहनाना, लेकिन प्रेम पाश फैलाना क्या। त्याग अंक में पले प्रेम शिशु, त्याग अंक में पले प्रेम शिशु, उनमें स्वार्थ बताना क्या। देकर हृदय हृदय पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या। हरिवंश राय बच्चन।